नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 5 दिनों के अंदर 2 जमीन कारोबारी की हत्या से शहरवासियों में भय का माहौल। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम गठित। अररिया में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। मेले के दौरान लापता हुई थी बच्ची। नशाखुरानी गिरोह के पास सदस्यों को रेल पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरगना के ठिकानों पर छापेमारी जारी। बिहार नगर निकाय चुनाव में पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया हुई पूरी, तो दूसरी ओर निगम चुनाव में नामांकन का दौर जारी। और केंद्रीय गृह मंत्री के सीमांचल दौरे को लेकर पूर्व उद्योग मंत्री ने की बैठक। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि 5 दिनों के अंदर 2 जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। जमीन कारोबारी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपराधियों के डिमांड यानी रंगदारी पूरी नहीं की, जिसके कारण उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ गया। सोमवार की शाम बाबरगंज थाना क्षेत्र के सूर्यलोक कॉलोनी बागपाड़ी के समीप 5 हथियारबंद अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर अमरेंद्र कुमार सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया। घटना में जमीन कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक अमरेंद्र सिंह के बेटे मानस ने बताया कि कुतुबगंज इलाके के करकू यादव ने अपने 4 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद अपराधियों ने उन पर पत्थर से हमला भी किया। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बाबरगंज पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया। साथ ही एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा किया। इधर एसएसपी बाबूराम ने बाबरगंज थाना अध्यक्ष सिकंदर यादव की बड़ी लापरवाही को देखते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। एसएसपी ने कहा कि अलीगंज के समीप 5 कट्ठे के प्लॉट को लेकर अपराधी करकू यादव लगातार जमीन कारोबारी अमरेंद्र सिंह से रंगदारी देने की मांग कर रहा था। पूर्व में भी करकू यादव के द्वारा अमरेंद्र सिंह के घर पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिस ने उस वक्त कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण जमीन कारोबारी की जान चली गई। हम आपको बता दें कि 5 दिन पूर्व यानी बुधवार की रात सिल्क कारोबारी अफसाल के भी जमीन विवाद में अपराधियों ने दुकान के समीप ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। लगातार शहर में हो रहे इस तरह की घटना से लोग काफी भयभीत हैं। अभी घटना यही हुई, मेरे पिताजी को गोली मार दिया। मारा करकू यादव, मरवाया अपने भगना और 2 लड़का साथ में था और साथ में उसका दोनों भाई था। करकू यादव से कोई विवाद था? विवाद था, वो हरेक प्लॉट पर जो है रंगबाजी मांगता था मेरे पिताजी से। उस क्षेत्र का वो रंगबाज है। शिव यादव हत्याकांड में भी वो था, पुलिस ने उसको जो है छोड़ दिया। राजकुमार यादव हत्याकांड में भी वो था, उस क्षेत्र का दबंग है। पहले से आप लोगों को कोई धमकी या किस तरह? हाँ, पहले से भी धमकी, हमारे घर पे चढ़ करके गोली चलाया। गोली में जो है हमने एफआईआर किया हमारे पिताजी ने। एफआईआर का कोई सुनवाई नहीं हुआ, आज तक हमारे घर पे फोका रखा हुआ है जो गोली चला है हमारे पिताजी के ऊपर, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण से आज रिजल्ट देख लीजिए आपके सामने है। एफआईआर करने के बाद एक्शन नहीं लिया गया थाना? नहीं, कोई थाना में एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि हमारे पिताजी जो है सिटी एसपी महोदय से भी मिले, लेकिन वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। लास्ट में आज परिणाम यह है। आज लगभग कितने बजे की घटना है? जस्ट अभी 1 घंटा पहले की घटना। कितने लोग आए थे जो गोलीबारी की है? टोटल जो है 5 आदमी था। नाम बता दीजिए। उमा यादव था, शशीष यादव था, अमर यादव था और 2 लड़का और था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानस सिंह। इससे पहले कुछ घटना वगैरह हुआ? इसके पहले भी घटना हुआ है इनके ऊपर। करकू यादव का चचेरा भाई ही, उल्लू यादव का भतीजा, वो सब भी गोली कचहरी में एक बार चलवा चुका है। अररिया रानीगंज थाना क्षेत्र के नारायणपुर में बीती रात 9 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बच्ची जितिया पर्व के मेले से लापता हो गई थी, जिसके बाद परिवार वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चल सका। वहीं मंगलवार की सुबह बच्ची का शव घर से कुछ ही दूरी पर स्थित खेत से बरामद हुआ। हालांकि घटना को लेकर आशंका जताई जा रही है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई है।
वहीं पीड़ित बच्ची के परिजनों का भी कहना है कि उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर उसकी हत्या कर दी गई। इधर घटना को लेकर अररिया SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मेडिकल बोर्ड का गठन कर पूरे मामले की जाँच की जाएगी, जबकि रिपोर्ट और अनुसंधान के आधार पर मामले का खुलासा किया जाएगा। साथ ही कहा कि पुलिस जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लेगी। एक छोटी बच्ची है, वो मेला में भटक गई थी, बगल में जितिया पर्व का मेला था और उसका डेड बॉडी उसके घर के पीछे तरफ में मिला है, तो हत्या किया हुआ है और इस पर अनुसंधान किया जा रहा है। गहराई से हम फॉरेंसिक साइंस टीम की भी बुलाए हैं और उसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड का गठन करके इसके अन्य बिंदु पर भी कहेंगे कि बच्ची के साथ कोई दूसरा का घटना तो नहीं हुआ है, सब बिंदु पर छानबीन कर अनुसंधान किया जाए। ठीक है, मूर्ति बनाए थे पूजा का, पूजा पाठ के काल अथी का द्वितीया का पर्व था ना, वही का मूर्ति बनाए थे और वो उसमें 10-11 बजे तक में पूजा पाठ किए और जलाने लोग पूछता है वही पूजा पाठ किए। इसके बाद आशु को अपना अपना घर गया सोने के लिए, घर में सो गए। ये जो था ना घर में सोया, मैं इसको पहले सो गया था, नींद लगा आज इसको न देखे कि सोया हुआ है कि क्या है। ट्रेन में भीड़ भाड़ का लाभ उठाकर यात्रियों के सामान की चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का क्यूल रेल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। क्यूल रेल पुलिस ने ट्रेनों में यात्रियों को नशा की दवा खिलाकर लूटने वाले गिरोह के 5 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों के पास से पुलिस ने काफी मात्रा में नशे की गोली, चुराए गए 5 मोबाइल और 17,000 रुपया नकद बरामद किया है। क्यूल रेल DSP इमरान परवेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए बदमाशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। DSP ने कहा कि मुंगेर का एक गिरोह है जो मुंगेर से लखीसराय तक ट्रेन में सवार यात्रियों को नशीली दवा खिलाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देता था। उन्होंने बताया कि गिरोह के 5 सदस्यों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके सरगना और अन्य गिरोह के सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मामला ये है कि एक केस हुई 108/22 414 और 21 NDPS एक्ट के तहत। इसमें है कि एक गिरोह है जो मुंगेर से ऑटो पकड़ के करीबन 9-10 लोग मुंगेर से चल के ये लोग लखीसराय स्टेशन आए। लखीसराय स्टेशन में ये लोग इकट्ठा हुए और ये लोग लखीसराय स्टेशन में ट्रेन को टारगेट करते हैं। इसमें इन लोगों का मोडस यही है कि इसमें एक मोहम्मद चांद करके है, जो उसको लोग बोलता है मिस्त्री। मोहम्मद चांद का काम यही है कि वो सबका ब्रीफ केस, सूटकेस, ट्रॉली बैग, बैग में जो जो कीमती सामान है उसको निकाल लेना और कीमती सामान निकाल के ये लोग चकमा दे के निकल जाते हैं। बाकी जितने 4 और लोग 8-9 लोग ऐसे हैं जो लेबर का काम करते हैं, उन लोगों का काम का बंटवारा है। मिस्त्री जो काम करेगा वो सारा बैग चेक करेगा, ट्रॉली बैग चेक करेगा, ट्रॉली बैग खोल के जो कीमती सामान है ये लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसमें ताला लगा है, जो कीमती सामान है उसको, जो ऊपर में बेसिकली इन लोगों का काम है जो ऊपर वाले बर्थ में जो सामान रखा जाता है उसको खोलना और उसमें से सामान लगाना। अब बाकी 8 लोग का काम है जो नीचे बैठे पब्लिक है उन लोग का विजुअल को काट देना, कोई अखबार पढ़ता है तो नीचे वाला आदमी ऊपर देख नहीं पाता है। बिहार में 2 चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के भागलपुर में नामांकन और NR कटाने की प्रक्रिया जारी है। मंगलवार को भागलपुर नगर निगम चुनाव के लिए अपर समाहर्ता कार्यालय परिसर में बनाए गए नामांकन केंद्र पर 20 संभावित प्रत्याशियों ने NR कटाया, जिसमें से 2 नाजी रसीद मेयर पद के लिए और 1 NR डिप्टी मेयर पद के लिए कटाया गया। मंगलवार को महापौर पद के 1 संभावित प्रत्याशी समेत कुल 14 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जबकि अब तक नगर निगम चुनाव के लिए कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है। इसके अलावा नॉमिनेशन एवं NR कटाने के लिए काउंटरों पर निगम क्षेत्र के अलग अलग वार्ड से प्रत्याशी और उनके समर्थक की भीड़ देखी गई। वहीं समाहरणालय परिसर स्थित DCLR कार्यालय नामांकन केंद्र पर हाबीपुर नगर पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार को 9 लोगों ने नाजी रसीद कटवाया, जबकि अब तक 64 लोगों ने NR कटाया, जिसमें से 2 प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा सुल्तानगंज नगर परिषद
पिछले चुनाव के लिए कुल 134 लोगों ने एनआर कटाया था, जबकि 128 संभावित प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन कराया, जिसमें 13 प्रत्याशियों ने मुख्य पार्षद और 13 प्रत्याशियों ने उप मुख्य पार्षद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कराया है। वहीं मंगलवार को नामांकन पत्र की समीक्षा की गई, जबकि 22 और 24 सितंबर को नाम वापसी के बाद 25 सितंबर को पहले चरण के चुनाव के लिए प्रतीक चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा। इधर 20 अक्टूबर को दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर 24 सितंबर तक नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा, जबकि 27 और 29 सितंबर को नाम वापसी के बाद 30 सितंबर को प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किया जाएगा। वहीं पूरे समाहरणालय परिसर में चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी का माहौल देखा जा रहा है। बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन मंगलवार को भागलपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नाथनगर में 14 सितंबर को सिल्क कारोबारी अफसाल हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और संत्वना देते हुए हर संभव मदद देने के साथ दोषियों के खिलाफ नीतीश सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद शहनवाज हुसैन का काफिला कोतवाली स्थित गौशाला परिसर पहुंचा, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुनिया दौरे को लेकर भाजपा जिला इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं बैठक के बाद शहनवाज हुसैन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री के पुनिया आगमन को लेकर जनता के बीच काफी उत्साह का माहौल है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बिहार को दूसरे देशों से जोड़ने वाले बॉर्डर का भी निरीक्षण करेंगे, जबकि इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनते ही क्राइम का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन नीतीश सरकार आपराधिक छवि के लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। मौके पर भाजपा के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक हुई है, पूर्णिया में अमित शाह जी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में भागलपुर में भी बहुत उत्साह है वहाँ जाने के लिए। देश के गृह मंत्री पड़ोस के जिले में आ रहे हैं तो भागलपुर से भी तैयारी है। कहलगांव प्रत्यंती भागलपुर सुल्तानगंज नाथनगर उधर नौगछिया बीरपुर गोपालपुर सब जगह से संख्या जाएगी और ये सफल रैली होगी। अमित शाह जी के दौरे से सीमावर्ती क्षेत्र मजबूत होगा, ऐसा हम सब मानकर चलते हैं। और क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है और वहाँ पर जो सीमावर्ती इलाका है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं सुबोध कुमार नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बाकरपुर हाजीपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। मैं 2017 से डायबिटीज का रोगी रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैं उनसे इलाज कराया तो मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हूँ। बिना दवा का मेरा नॉर्मल रहता है, मैं हर एक चीज़ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 6 महीना लगा उनसे इलाज कराने में और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई भी दवा नहीं खाता हूँ डायबिटीज़ का, नॉर्मल है मेरा डायबिटीज, अब नॉर्मल रहता है और मैं स्वस्थ। ऐसा इलाज मैंने पहली बार देखा है, मतलब एक अनोखा इलाज है। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे जब इलाज कराया तो पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐसा भी है जो पूर्ण रूप से आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक दवा है और बहुत अच्छा है। मेरा नाम अजय कुमार हुआ, घर गोछारी, जिला खगड़िया। मैं किसान हूँ, डायबिटीज पेशेंट 1 साल पहले से था। अंग्रेजी दवाई खा रहे थे बेगूसराय से, 200 और 300 फास्टिंग, 200 और पीपी 300 था। तो भोला जी हमको बताए, मेरा का था वो कि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं भागलपुर में, ये कह रहा है वहाँ से दवाई खाइए, आप ठीक हो जाइएगा, एकदम डायबिटीज संतुष्ट हो जाइएगा, बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ भागलपुर से स्टार्ट किए दवाई खाने के लिए। जब से दवाई खाएं, खान पान को नियंत्रण रखते हुए जैसे डॉक्टर साहब बताएं वैसे खाएं, उस दिन से तो डायबिटीज कमते ही चला गया। और 1 महीना से दवाई हम नहीं खाएं, कोई भी दवाई नहीं खाने के बावजूद भी, सब चावल दाल आलू सब्जी खाते हुए भी अभी डायबिटीज मेरा 125 है। अब मैं इस डॉक्टर से संतुष्ट हूँ और जो डायबिटीज पेशेंट हैं
संपर्क कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय सीमांचल दौरे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे अररिया पहुंचे, जहां परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 23 सितंबर को गृह मंत्री के सीमांचल दौरे को लेकर कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यह दौरा अशांति को दूर कर सीमाई इलाकों में फैले PFI के जाल को तोड़ने के लिए है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से तुष्टिकरण की नीति अपनाने वाले लोगों में छटपटाहट शुरू हो गई है। पहले एक रिबन लगता था उद्घाटन और शिलान्यास में, अब तो 2 रिबन लग रहा है। आपने देखा, एक रिबन वो काटते हैं, दूसरा रिबन उप मुख्यमंत्री काटते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में 7 रिबन लग जाएगा। ये 7 इंजन की जो सरकार आज बनाया इन्होंने, ये हालत बिहार में पैदा हो गई। और अनिश्चितता की स्थिति बिहार में है, बिहार में आतंक के साए में लोग जी रहे हैं। और कभी भी बिहार जो PFI आपने देखा 2013 में गांधी मैदान में किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पर हमले हुए थे और ये चुप थे, आज तक इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी जांच तक नहीं बैठाया। और जो जांच का कोई फलाफल जब जांच ही नहीं बैठाया, कोई बिहार में इतनी बड़ी घटना, लहूलुहान हो गया था गांधी मैदान उनका रैली में। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और इसको लेकर सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने आ रहे हैं। वहीं चुनाव के लिए वार्ड संख्या 20 से पार्षद पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने की तैयारी में मोहित कुमार सिंह उर्फ गप्पू भी जोर शोर से लग चुके हैं। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पूर्व अपने चुनावी मुद्दे को लेकर मोहित सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि 1934 से उनका परिवार निस्वार्थ भाव से समाज सेवा से जुड़ा है और दादा स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र नारायण सिंह जिले से पहले जिला परिषद अध्यक्ष भी चुने गए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव में उनके लिए 3 अहम मुद्दे होंगे, जिसमें से सड़क सुरक्षा और पीने का साफ पानी लोगों को आसानी से उपलब्ध कराना शामिल होगा। साथ ही कहा कि अगर वार्ड की जनता ने उन्हें चुनाव में मौका दिया तो वह इन कार्यों को पहले पूरा कराएंगे। इसके अलावा ठाकुर मोहित सिंह ने वार्ड के लोगों से चुनाव में उनका साथ देने की अपील की। दिनचर्या में व्यस्त रहते तो समाज के प्रति बहुत लोग आगे नहीं आते हैं, तो मैं अपना योगदान देने लगा। कोरोना काल में भी हम लोग ने बल चल कर काम किया, लेकिन विगत 15 वर्षों से 20 वर्षों से मैं देख रहा था कि मेरे वार्ड में कोई तरह का विकास, कोई तरह का जो एक सिस्टम होता है सुचारू रूप से जो वार्ड में होना चाहिए, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, घर में पानी पहुंचना चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, ये सब समस्या उत्पन्न हो रही थी, इसका समाधान हो नहीं रहा था। तो मैं सोचा क्यों ना मैं स्वयं आगे बढ़ूं, पार्षद का चुनाव लड़ूं। ऐसे तो मैं समाज सेवा करते हुए आ रहा हूं, लेकिन एक पद पे होने के नाते नगर निगम की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उन्हें घर घर तक पहुँचाऊँ। नगर निगम का जो काम होता है, सफाई व्यवस्था होता है, स्ट्रीट लाइट होती है और बहुत से तरह से बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जो बनती है, वो लोगों को आसानी से बने। और एक पार्षद से लोग क्या चाहते हैं कि एक पार्षद आपके पास आसानी से उपलब्ध हो। 10 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन काफी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच नवगठित नगर पंचायत पिरपैती में मुख्य पार्षद पद के लिए निवर्तमान मुखिया प्रीति कुमारी, रनीता देवी सहित 4 लोगों ने नामांकन कराया, जबकि उप मुख्य पार्षद पद के लिए पंकज शाह, मोहम्मद शरीफ बिन मोहम्मद सहित 16 लोगों ने नामांकन कराया। प्रखंड कार्यालय में हो रहे नामांकन प्रक्रिया में मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद के लिए कुल 20 नामांकन पर्चे दाखिल किए गए। वहीं वार्ड पार्षद के लिए 49 अभ्यर्थियों ने अलग अलग वार्ड से नामांकन पर्चा दाखिल कराया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 5 दिनों के अंदर 2 जमीन कारोबारी की हत्या से शहरवासियों में भय का माहौल, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम गठित। अररिया में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या से इलाके में फैली सनसनी, मेले के दौरान लापता हुई थी बच्ची। नशाखुरानी गिरोह के पास सदस्यों को रेल पुलिस ने किया गिरफ्तार, सरगना के ठिकानों पर छापेमारी जारी। बिहार नगर निकाय चुनाव में पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया हुई पूरी, तो दूसरी ओर निगम चुनाव में नामांकन का दौर जारी।
और केंद्रीय गृह मंत्री के सीमांचल दौरे को लेकर पूर्व उद्योग मंत्री ने की बैठक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।